जेपीएससी मेंस परीक्षा का परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है, इसको लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भाजयुमो का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में जाकर मुलाकात की है और मुलाकात करने के बाद जो है बहुत सारी बातों को उन्होंने मीडिया के समक्ष रखा है और ये बताया है कि किस तरह से जेपीएससी के परिणाम को लटकाया जा रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का खेल जो है वो हो सकता है। और क्या कुछ कहा है राजभवन से निकलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने, आपको सुनाते हैं। जिसका परीक्षा फल आना बाकी है, बार बार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर, और ये सरकार पहले दिन से ठान चुकी है कि हम इस प्रदेश के एक एक सीटों को बेचने का काम करेंगे, हेमंत सोरेन जी का नारा हो चुका है। आपने जेएसएससी में देखा जिस प्रकार से पीजीटी में इन लोग सीट बेचने का काम किए, सीरियल में जब सीट बेचने का प्रयास कर रहे थे पेपर लीक हुआ, उसी प्रकार 11वीं और 13वीं जेपीएससी का परीक्षा फल रोक कर करे पूरे सरकार के लोग लग गए हैं कि किस प्रकार से छात्रों के भविष्य को बेचने का इन लोग काम करें, इसलिए परीक्षा फल इन लोग रोक के रखे हुए हैं। और चेयरमैन जो मैडम थी नीलिमा मैडम, उनका आरोप है सरकार के ऊपर कि हमारा हमको दबाव बनाया जा रहा, परीक्षा फल रेडी है जेपीएससी में, पर सरकार के दबाव के कारण ये लोग परीक्षा फल नहीं दे पा रहे हैं। तो पूरी तरह से पूरे प्रदेश के युवाओं के भविष्य अधर में है, पूरे युवाओं के सपने को बेचने का काम कर रही है हेमंत सोरेन जी की सरकार, इसलिए जेपीएससी का रिजल्ट जल्द से जल्द जेपीएससी प्रकाशित करे 11वीं 13वीं का, जो 342 पद पर इन लोगों ने निकाला था, और इनके ही नोटिफिकेशन के अराउंड अगस्त के सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। आज अध्यक्ष भी चले गए हैं, हम इन लोग नया अध्यक्ष बनाकर पूरे सीट बेचने का तैयारी में ये सरकार है, इसलिए हम लोग आज महामहिम राज्यपाल महोदय के पास इस मामले से अवगत कराया है और आने वाले समय में हमने कहा है इसको किस प्रकार से युवाओं के भविष्य को ना बेचा जा सके इस राज्य में, इसके लिए जल्द से जल्द परीक्षा फल प्रकाशित किया जाए और जेपीएससी के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत किया जाए ताकि युवाओं के भविष्य इस राज्य में बोली ना लग सके। अच्छा अध्यक्ष नीलिमा जी पहले भी छात्रों को बोल चुकी हैं, जब छात्र का समूह उनसे मिलने गया था तो अध्यक्ष जेपीएससी अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट है कि सरकार के तरफ से हमें बाध्य किया जा रहा है ये रिजल्ट नहीं देने का, तो आप समझ सकते हैं अभी पेपर में हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से उनका दर्द छलका है कि रिजल्ट रेडी है पर हम रिजल्ट आउट नहीं कर पा रहे। आप समझ सकते हैं कि सरकार के सभी जेपीएससी के सदस्य लोग और सरकार के लोग लग गए हैं कि ये जो 13वीं 11वीं 13वीं जेपीएससी है ये 342 पद को किस प्रकार से रेट का खोला जाए, रेट चार्ट खोला जाए, इसलिए इस आरोप के आधार पर मैडम भी आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर जो यहाँ से जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुकी हैं, कल ही उनका रिटायरमेंट हुआ है और आज वो महामहिम पास आके उन्होंने भी इस सारे चीज़ों से अवगत कराया है, इसलिए सरकार इस मामले में सजग होना चाहिए और पूरे छात्र आक्रोशित हैं, पूरे प्रदेश के युवा इससे आक्रोशित हो चुके हैं इस प्रकार के गतिविधि के कारण, इसलिए हमारा मांग है कि जल्द से जल्द जेपीएससी इस रिजल्ट 11वीं 13वीं जेपीएससी का रिजल्ट जारी हो ताकि किसी भी छात्र के भविष्य को सीट को बेचा ना जा सके। राज्यपाल की तरफ से क्या आश्वासन मिला?